दोस्तों फाइनली अब पटना और रांची के बीच चलाए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मंगलवार यानी कि 6 जून को बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में स्थित कोचिंग कॉम्प्लेक्स में एक 8 डब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन को मंगलवार के दिन पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद इस ट्रेन का ट्रायल रन काफी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि काफी जल्दी इस ट्रेन को लॉन्च करने की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। वेल मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि जून में ही इस ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पटना और रांची के बीच के जो ट्रैक्स है उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अभी टेस्टिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर कॉम्प्लेक्स में इस ट्रेन का सेकेंडरी मेंटेनेंस किया जाएगा, वहीं इसका प्राइमरी मेंटेनेंस झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा चांसेस है कि इस वंदे भारत ट्रेन को 8 से लेकर 14 जून के बीच में पटना से रांची के बीच चलाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन के आने के बाद पटना से रांची के बीच की जो दूरी है वो आप केवल 6 घंटों में ही पूरा कर पाएंगे। अब अगर बात इस वंदे भारत ट्रेन की स्पीड के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इस वंदे भारत ट्रेन में भी आपको मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है, लेकिन अभी पटना से रांची के बीच का जो ट्रैक्स है उनको अपग्रेड करने का काम जारी है और जब तक ट्रैक्स को अपग्रेड नहीं किया जाता तब तक इस वंदे भारत ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ही ऑपरेट किया जाएगा। अब अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन को पटना से जहानाबाद और गया के रास्ते चलाया जाएगा। बिहार के 3 जिलों में इस ट्रेन का काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिनके नाम है पटना, गया और जहानाबाद, और गया के बाद ये ट्रेन झारखंड में एंटर कर जाएगी। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, बरकनाना होते हुए ये गाड़ी रांची पहुंच जाएगी, लेकिन अभी इस ट्रेन की टाइमिंग्स को लेके कोई ऑफिशियल डिटेल्स निकल के सामने नहीं आई है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।